दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं आपका घर एक हरियाली वाली जगह पे हो, मतलब कि आसपास एक गार्डन हो और जो घर आसपास बने वो सारे बने हुए एक डेवलप एरिया के अंदर आपका घर हो? तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही घर आज आप देखने जा रहे हो जो कि मोहाली सेक्टर 125 मोहाली के अंदर मिलने वाला है आपको। 220 गज का ये डबल स्टोरी घर रहेगा और ये नॉर्थ फेसिंग है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपली आपकी फैमिली के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है। तो फ्रंट एलिवेशन की तरफ आते हैं, पहला का सा ग्रेश लुक आपको मिलने वाला, बड़ी सी बालकनी आपको मिलेगी ग्लास के साथ और ड्यूल टोन आपको मिलने वाला, डार्क शेड और लाइट शेड और एक अच्छा सी एलिवेशन। वहीं नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा दिखा दूं आपको, तो ठीक इस तरफ जो है आपको पिलर्स मिलने वाले हैं दोनों तरफ और ये एक खूबसूरत सा गेट जो कि आयरन के साथ आपको मिलने वाला है। और इसी गेट के साथ आपके पास एक रैंप रहेगा जहाँ से आपकी बड़ी सी गाड़ी जाने वाली है, मेरा मतलब दो गाड़ियाँ जाने वाली है। जी हाँ, अपने पास यहाँ पे पार्किंग काफ़ी बड़ी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो इजीली आपकी जो दो गाड़ियाँ बहुत आराम से अंदर रहने वाली हैं और दो फैमिलीज़ यहाँ पर बहुत ईजिली यहाँ पर रहने वाली हैं। तो टाइल वर्क आपको फ्रंट पे पूरा मिलने वाला है, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग वेंटिंग वाला काम जो होता है वो कभी आने वाला नहीं है। खर्चे यहीं पर हो गए जो हो गए, आगे होने वाले नहीं है, एक फ्री फ्लो आपकी लाइफ जो है चलने वाली है, इतने नहीं। और आज के इस घर में ना एक चीज़ आपको कॉमन मिलने वाली है, वो है स्पेस, जो आपको हमेशा चाहिए होती है, हर घर के अंदर चाहिए होती है कि खुला खुलापन जो होता है ना वो हमें अपने घर के अंदर मिले, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर मिलने वाला। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टेयर्स आ जाएंगी जिसके साथ हमारा मेन डोर है जो कि वायर मैश है, वुडन है और एक अच्छी लुक्स के साथ आपको मिल जाता है। इसके साथ ही फ्रेम आपको ऊपर तक मिलेगा स्ट्रिप लुक्स के साथ और एक ग्लास फिनिश के साथ। तो इसके साथ ही हमारा मेन डोर रहेगा जो अगेन आपका टीक स्टाइल के साथ आपको मिलने वाला है, अच्छी सी फिनिशिंग के साथ है। और इसे ओपन करते हैं तो वाकई जो मैंने अभी कहा था ना खुलापन, वो आपको यहाँ पर नज़र आता है। आप देखें यहाँ से वहाँ तक का काफ़ी अच्छा खासा लॉबी एरिया आपको मिल जाता है एक अच्छा सीलिंग डिज़ाइन के साथ। और स्पेस में ना आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि एक चीज़ खास होती है कि आप जो भी सामान रखना चाहते हैं ना वो आप रखें, बेफिक्र होकर रखें। और ठीक इसके साथ ही आपको आपका ड्राइंग एरिया मिलेगा जहाँ यहाँ स्ट्रिप लुक के साथ आपको एक जो वॉल है वो पूरी पैटर्न के साथ कवर की गई है और बड़े से बड़ा जैसा भी सोफ़ा रखेंगे अच्छा लगेगा, बड़ी विंडो आपको यहाँ मिल जाती है जिसके साथ लुक्स और अच्छी आ जाती हैं और बीच में एक तरह पार्टीशन लुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के यहाँ पर डिज़ाइन किया, बिल्कुल एक फैमिली वाली जो फीलिंग होती है, घर में रहने वाली फीलिंग होती है वो आपको यहाँ पर दी गई है। बहुत ज़्यादा जो हैवी वर्क है वो हमने नहीं किया लेकिन रहने के हिसाब से एक अच्छा काम आपको हमने देने की कोशिश की है। और ठीक इस तरफ आपको जो है आपको किचन मिल जाता है जो कि एक मॉडल किचन के हिसाब से बनाया गया। ऊपर की तरफ फ्रेम देखेंगे तो बिल्कुल एक लाजवाब लुक आपको यहाँ पर किचन की आने वाली है, प्रैक्टिकली बहुत शानदार किचन है। ब्रेकफास्ट टेबल के साथ इसको हमने डिज़ाइन किया है बिल्कुल मॉडर्न लुक्स के साथ, स्टाइल भी पूरा आपको यहाँ पर मिलने वाला और कलर्स जो है वो बहुत प्यारे आपको मिलते हैं। हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। आप देखेंगे रोज़ गोल्ड के हैंडल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और लाइट शेड्स आपको मिल जाते हैं और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वाली जो बात होती है वो आपको पूरी यहाँ पर मिल जाती है। मैं आपको एक ड्रॉर ओपन करके दिखाता हूँ, कैबिनेट हाइड्रोलिक्स लगे होंगे और अंदर बाहर दोनों तरफ आपके जो है ये लेमिनेशन रहने वाली है, ग्लॉसी लुक है और नीचे भी आपके जो ड्रॉर्स रहेंगे बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर्स हैं और हर साइज़ के साथ सब मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमने स्टेनलेस स्टील का भी यहाँ पे यूज़ किया है जो कि हैवी मटेरियल होता है, जैसा मर्जी सामान आप रखें और हर चीज़ के हिसाब से ना आपके प्लेट्स हो या कुछ भी हो प्रॉपर आपको एक जगह मिल जाएगी। तो कहने का मतलब कि हम इंडियन स्टाइल में ना जैसे कढ़ाई है, पतीला है या फिर आपका जो बड़ा सा कुकर है, वो हर चीज़ के हिसाब से। और यहाँ पर आपका डबल सिंक आपको मिलेगा स्टेनलेस स्टील का है जहाँ पर ऊपर विंडो है, सो ज़्यादा देर इसको ये गीला नहीं रहने देता। एक जो प्रॉपर किचन वाली फीलिंग होती है ना वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, एक अच्छी किचन वाली फीलिंग एग्जैक्टली। और ये आपको छोटी सी अलमीरा नज़र आ रही होगी, आपका पूरा पेंट्री यूनिट है ताकि कोई भी सामान ना आपका किचन में बाहर खुला ना रहे, हर चीज़ आपकी प्रॉपर एक वे के साथ अंदर आए, सो आप एक अच्छा फील करें पार्टी वाले दिन ना और अच्छा फील करने वाले हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं ठीक अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ जो बिल्कुल इस तरफ है। आपके 15-15 फीट के आपके पूरे बेडरूम साइजेस आपको यहाँ मिलते हैं, बड़ी बड़ी वार्डरोब्स आपको मिलेंगी, सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है, लैंप्स के साथ एक अच्छी लुक जो होती है ना वो तो मिलती है प्लस एक अच्छी फीलिंग आपको मिलने वाली है। सिंपली ना ये घर देखें ना आप, इसको जैसी फीलिंग आपको अभी यहाँ देखने में आ रही है ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको फीलिंग आएगी जब आप खुद आकर इस घर को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो सारी तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं जो हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें मिले और यहाँ पर वो सब वैसे डिज़ाइन के साथ मिलने वाली हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स तो अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे सामान पड़ा है, अटैच वॉशरूम और ठीक यहाँ पर आपकी विंडो, सो लाइट आपके हर रूम के अंदर रहेगी। आगे और पीछे आप देख सकते हैं पूरी रोशनी आपके घर के अंदर दिन के टाइम आने वाली है। ठीक यहाँ पर अपने घर का सेकेंड, और इससे पहले मैं बता दूँ आपके पास जो पूजा स्पेस यहाँ पर हमने डिज़ाइन की है, सो एक जगह आपको अलग से हमने दे दी है। इसके साथ ही आपका बेडरूम आ जाएगा, अगेन साइजेज आपके सिमिलर रहने वाले हैं, तो स्पेस का मामला होता है वो आपको पूरा मिलता है, डिज़ाइन आपको अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, रहने का मज़ा। और ख़ास चीज़ बता दूँ इस घर की, ये घर जो है आपका एक डेवलप एरिया के अंदर आपको मिल जाता है, फ्रंट वाली लोकेशन है जो हाईवे के भी पास है और यहाँ पर ना हर चीज़
अच्छी बनी हुई, जैसे आपने शुरू में पार्क देखा था वैसी रोड्स भी अच्छी बनी होंगी, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मंदिर गुरुद्वारा साहब मिल जाएगा। इसके अलावा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको मार्केट मिल जाएगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको बच्चों के लिए स्कूल मिल जाएगा, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा। तो किसी चीज़ के लिए ना आपको बहुत दूर या कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, आपको हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपके घर के आसपास हैं जो तकरीबन हम सोचते हैं कि हमें मिल जाए। तो धूप देख रहे हो पूरी आ रही है बैकयार्ड में आपके, तो सनलाइट आपको पूरी आने वाली है, मतलब कि आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, एक अच्छी फील आपको यहाँ पर पूरी मिलती है। और दोस्तों मेरी गुजारिश आपसे एक रहेगी कि अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा और आपका साथ यूँ बना रहे। तो यहाँ पर हमारी स्टेयर्स आ जाएंगे जो बाहर की तरफ से थी, और ग्रेनाइट यहाँ पर लगा, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील हमने यहाँ पर लगाई है, और ऊपर और नीचे का ना डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क हमने डाला हुआ है। तो ऊपर हमने थोड़े से बेडरूम ज़्यादा बढ़ा दिए, तो जॉइंट फैमिली हो या फिर रेंटल वाला पर्पज़ हो, दोनों सॉल्व होने वाले हैं। तो ऊपर आते ही ना देखिए बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, सामने ग्रीनरी है और ये नीचे का एरिया, और ये बड़ी सी बालकनी जहाँ पर सिटिंग पूरी होने वाली है आपकी, बड़े मज़ेदार ग्लास वर्क आपका किया हुआ। देखिए कितनी जगह है, बेंचेस लगाइए, टेबल लगाइए, चेयर लगाइए, मज़ा लीजिए चाय तो कॉफ़ी का, यहाँ पर पूरा मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ से मंदिर की तरफ चलते हैं, स्टेयर्स आपको ऊपर जाने के लिए भी मिल जाएंगे। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं। अगेन आपको वायर मैश डोर मिल जाएगा, पॉलिश के वाला डोर है, हैवी डोर्स आपको दोनों मिलते हैं, जैसे मैंने नीचे देखा था वैसे ही ऊपर भी आपको मिलने वाले हैं, एक अच्छी लुक के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ। ऊपर आते हैं ना तो यहाँ पर ये जगह हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी हमें नज़र आती है। एक तरफ टीवी पैनल आपका लगा हुआ है, काफ़ी लंबी चौड़ी जगह आपको मिल जाएगी, बड़ी सी सीलिंग आपको यहाँ मिल जाती है, स्पेस आपकी अच्छी मैनेज यहाँ पर की गई है। तो जगह का जो एरिया है वो पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। ठीक इसके इस तरफ मैं आपको घूम के दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो है डाइनिंग एरिया प्लस किचन दोनों एरियाज़ इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जगह आपके पास काफ़ी अच्छी खासी है। एल शेप के अंदर इस जगह को तैयार किया गया, जैसे मैं कह रहा था कि आपका घर चंडीगढ़ के पास है, अराउंड 10 मिनट का रास्ता रहेगा आपका चंडीगढ़ का। इसके अलावा आपका जो है आईटी पार्क मोहाली वो भी 10 मिनट के अंदर आया था, और आपके घर से जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो सिर्फ 20 मिनट का रहता है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी जगह पर हैं, और एक एप्रिसिएशन वाली लोकेशन आपकी मिल जाती है, क्योंकि घर के आसपास ही सारी डेवलपमेंट आपकी बहुत अच्छी हो रही है, और आने वाले टाइम में ना ये एक वाकई डायमंड है ये लोकेशन, जो सोचते भी नहीं हम लोग। तो ठीक है, वॉशरूम्स आपको जो है हर बेडरूम के साथ अटैच मिलने वाले हैं, बड़ी विंडोज़ का पूरा मज़ा आप हर जगह पर लेने वाले हैं। हर बेडरूम को ना बड़े अच्छे वे के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि आप हमें ना फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर या फिर फेसबुक पर, सेम गुरविंदर होम के नाम से, और प्यार हमें ऐसे आप देते रहिए। और मैं दोस्तों ये भी बात बता दूं कि आपको घर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए नंबर पर कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का घर चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके बजट से बाहर है या फिर आपको और बड़ा घर चाहिए, तो दोनों ही सूरत में ना आप नीचे दिए नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरह की जानकारी दी जाएगी किस तरह पर आप मिल सकता है आपको, और इनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने कोई शॉप लेना चाहते हैं या किसी भी तरह की और कोई बात आप करना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नंबर्स हमारे मॉर्निंग से इवनिंग तक चलते रहते हैं, बेफिक्र होकर कॉन्टैक्ट कीजिए। इनकेस नहीं बात हो पाती तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। सो आगे की तरफ हर तरफ आपको खुलापन नज़र आता है, हर तरफ लाइट पूरी नज़र आती है, मज़ेदार चीज़ नज़र आती है, और ये रहा आपका ऊपर का एरिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे एक और घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लूँगा आपको, तो गुरविंदर, सत श्री अकाल।